हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ जीनियस माइंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें मैंने पूछा था कि क्या मैं अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट की वीडियोस डालूं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि हाँ डालो। तो आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के साथ कुछ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके आगे हम इन रॉकेट को इस टाइप से लगा लेंगे और मल्टीमीटर से इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि ये हम डीसी मोटर हमें कितनी आउटपुट वोल्टेज देती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इस डीसी मोटर को यहाँ पर लगा लिया है और एक जुगाड़ टाइप से बनाकर इसके दोनों आगे की तरफ में रॉकेट को भी लगा दिया है। और इसको हम इसके मोटर के आगे इस तरह से इसकी शाफ्ट पर लगा देंगे। इस टाइप से अच्छी तरह से मैं आप यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे लगा दिया और ये फ्रीली घूम रहा है। और मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर दिया मोटर के साथ, आप देख सकते हो, ताकि हमें मोटर के आउटपुट वोल्टेज भी पता लग जाए। तो इस तरह से मैंने मल्टीमीटर भी लगा दिया है और हम इसे आग लगा तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया होगा मोटर ने कितनी अच्छी तरह से वर्क किया। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितनी आउटपुट वोल्टेज मिली है। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो इस मोटर ने हमें अप्रोक्स 9 वोल्ट आउटपुट दी है, जो कि इस मोटर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि इस मोटर ने कितना अच्छा वर्क किया है। इसने हमें अप्रोक्स 9 वोल्टेज के करीब आउटपुट वोल्टेज दी है। तो इस मोटर से आप एक छोटा जनरेटर भी बना सकते हो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। और इस मोटर का मैं आपको बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की मोटर है, आप इसे परचेज भी कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अपने चैनल पर और भी एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोज डालूंगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।